नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम लोग WhatsApp पर चैट करते हैं और सोचते हैं कि हमारा डेटा पूरी तरह से सिक्योर है और यहाँ पर हमारा डेटा कोई भी पर्सन देख नहीं सकता है। तो गाइस, ये हमारी गलत फहमी होती है। अकॉर्डिंग टू WhatsApp न्यू प्राइवेसी पॉलिसीज, अब आप लोगों का डेटा पूरी तरह से सिक्योर नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो भी आप लोग चैट करोगे WhatsApp के थ्रू, चाहे फोटो सेंड करो चाहे वीडियो सेंड करो, आप लोगों को फोटो वीडियोस और यहाँ तक कि चैट भी आप लोगों के फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में यूज़ की जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहला डाउट निकल कर आता है कि हम लोग WhatsApp यूज़ ना करें तो फिर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें। और अगर आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि WhatsApp की जगह पे टेलीग्राम एक बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है। सो गाइस, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर WhatsApp बेटर है या टेलीग्राम, आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना होगा। मैं हूं प्रदीप प्रजापत और स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टीपल आइडियाज़ में। पहला कंपैरिजन गाइस, अगर आप लोग WhatsApp पर चैट करते हो तो उसमें आप लोगों को एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलता है, लेकिन अब आप लोगों का वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन ना रहेगा गाइस। यहाँ तक कि आप लोगों का जितना भी डेटा रहेगा WhatsApp का, वो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में यूज़ हो सकता है। लेकिन यही बात की जाए टेलीग्राम की, तो गाइस टेलीग्राम में आप लोगों को एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला फीचर्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो वहाँ पर एक सीक्रेट चैट इनेबल कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का डेटा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड हो जाएगा। सेकेंड डिफरेंस गाइस, आप लोग WhatsApp पर जो भी फोटोज़ या वीडियो सेंड करते हो उसकी मैक्सिमम फाइल 100 MB हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम यूज़ करोगे गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों की जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 2 GB होगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस दोनों में निकल कर आता है। थर्ड डिफरेंस गाइस, यहाँ पर आप लोगों को WhatsApp में एक स्टेटस वाला फीचर्स मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को डे टू डे अपडेट कर सकते हो किसी भी गाइडलाइंस के थ्रू। लेकिन गाइस, यहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम में कोई भी ऐसा फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर आप लोग स्टेटस ऐड कर पाओ। नेक्स्ट डिफरेंस गाइस, अगर आप लोग WhatsApp यूज़ करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब भी WhatsApp में कोई भी ग्रुप बनाते हो तो उसमें 256 मेंबर ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करते हो गाइस, तो अगर आप लोग उसमें कोई भी ग्रुप बनाना चाहते हो तो उसमें आप लोग 200,000 मेंबर ऐड कर सकते हो। इसीलिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग टेलीग्राम यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग WhatsApp यूज़ करते होगे तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता हो कि आप लोग WhatsApp में कोई भी चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पर टेलीग्राम की बात कर ली जाए गाइस, तो यहाँ पर आप लोग एक चैनल क्रिएट कर सकते हो जिसमें कि आप लोग अनलिमिटेड मेंबर ऐड कर सकते हो, और साथ ही उसे पब्लिक रखना है आप लोगों को या प्राइवेट रखना है, ये भी फीचर्स मिल जाता है। तो गाइस, आप लोगों को टेलीग्राम में जैसे कि कोई भी आप लोग एसोसिएट अकाउंट से कोई भी लिंक शेयर करोगे और जिसके थ्रू आप लोगों को मनी अर्न होती है, तो आप लोग यहाँ से इजीली टेलीग्राम से मनी भी अर्न कर सकते हो। इसलिए टेलीग्राम को एक मशीन अर्निंग एप्लीकेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस गाइस, अगर आप लोग WhatsApp में किसी भी पर्सन से चैट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों के पास किसी भी पर्सन से जिससे चैट करना चाहते हो उसका नंबर सेव्ड होना चाहिए, तभी आप लोग उसे चैट कर पाओगे। लेकिन टेलीग्राम की बात कर ली जाए यहाँ पर गाइस, तो आप लोगों को जरूरी नहीं है कि उसका नंबर सेव्ड हो तभी आप लोग चैट कर पाओगे। आप लोग डायरेक्टली उसके यूजर नेम से भी उसे सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली उसके नंबर से भी चैट कर सकते हो, जिसमें कि आप लोगों को कोई भी नंबर सेव्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट डिफरेंस गाइस, जब भी आप लोग WhatsApp पर कोई भी फोटो या वीडियो सेंड करते हो तो वो अक्सर कंप्रेस होकर जाता है, लेकिन अगर टेलीग्राम पर आप लोग किसी भी पर्सन को कोई भी फोटो या फिर वीडियो सेंड करोगे तो वो कंप्रेस होकर नहीं जाएगा, वो ओरिजिनल क्वालिटी में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये भी फीचर्स मिलता है कि अगर आप लोग उस वीडियो या फिर फोटोज़ को कंप्रेस करके भेजना चाहो तो भी आसानी से भेज सकते हो। दोस्तों, आप लोग अक्सर WhatsApp में कोई भी किसी भी पर्सन को चैट भेजते हो तो आप लोग जिस भी मैसेज को भेजते होगे वहाँ पर आप लोग उस मैसेज के थ्रू सर्च करने का ऑप्शन आप लोगों को WhatsApp में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लोग टेलीग्राम यूज़ करोगे गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो चैट किसी पर्सन को सेंड करी और आप लोग भूल गए हो और आप लोग उसी चैट के थ्रू सर्च करना चाहते हो कि आप लोगों ने ये चैट किस पर्सन को भेजी थी, क्या मैसेज भेजा था आप लोगों ने, तो डायरेक्टली आप लोग उस मैसेज के थ्रू सर्च कर सकते हो किस पर्सन को आप लोगों ने सेंड या रिसीव किया था। नेक्स्ट कंपैरिजन गाइस, कभी कभी हम कुछ ऐसी जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर हमारे आसपास कोई अच्छा बंदा बैठा होता है, हम लोग उससे मोबाइल के थ्रू चैट करना चाहते हैं और हमें उसका नंबर भी नहीं पता है, उसका यूज़र नेम भी नहीं पता है। तो गाइस, आप लोग को ये फीचर्स तो WhatsApp में नहीं मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में आप लोगों को ये फीचर्स जरूर मिलेगा। यहाँ पर आप लोग टेलीग्राम में नियर बाय यूज़ से आप लोग को एक नियर बाय का फीचर्स मिलेगा टेलीग्राम में, जिसके यूज़ से आप लोग डायरेक्टली पता कर सकते हो कि आसपास में आपके कौन सा बंदा बैठा है, और अगर वो टेलीग्राम यूज़ करता होगा तो आप लोगों को वहाँ पर सर्च चैट में दिख भी जाएगा, आप लोग डायरेक्टली वहाँ से चैट भी कर सकते हो उस बंदे से। नेक्स्ट एंड लास्ट डिफरेंस गाइस, कभी कभी हमें क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे नोट्स तैयार करना होते हैं या फिर कोई ऐसा मैसेज होता है जिसे हम लोग सेव करके रखना चाहते हैं। सो गाइस, हमें WhatsApp में तो ये फीचर्स नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम में हमें ये फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि क्या होता है कि हम कोई भी ऐसे नोट्स या फिर कोई भी ऐसी PDF डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़ हम खुद सेव्ड करके रख सकते हैं गाइस। तो टेलीग्राम में ये फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा और WhatsApp में नहीं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को हमने जितने भी डिफरेंस बताए WhatsApp और टेलीग्राम में वो काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई डाउट्स रह जाएगा गाइस, तो आप लोग हमसे इजीली कमेंट्स करके पूछ सकते हो, जो कि हम आप लोगों के कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं गाइस किसी और नए वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ।
हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।